Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asimoy ako notuneta fidoloy ahisom aro asir fidotu hoise fotoru parot jehetuke amar honmukhot vote ahiyase aro bohut thait election hoigol kothokolo kotha phabi senti apunaloke vote dibo aro apunaloke prothomote ei video clip tu saok video dutaman clip apunalok dangi thoriso ekita video clip saok tar bisot तो मेरा नाम अर्पित शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। कल 26 अप्रैल है और बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और वेस्टर्न यूपी के कई इलाकों में वोटिंग होनी है, तो वोट जरूर देना। लेकिन वोट देने से पहले एक बार सोचना कि पिछले 10 सालों में तुमने पेट्रोल के ऊपर कितना खर्चा किया है। वोट जरूर देना, लेकिन वोट देने से पहले एक बार ये सोच लेना कि घर में रखे उस सिलेंडर पर तुमने पिछले 10 सालों में कितना खर्चा किया है। वोट जरूर देना, लेकिन वोट देने से पहले एक बार ये सोच लेना कि घर के राशन के खर्चे के बाद, बच्चों के स्कूल की फीस देने के बाद क्या कुछ बच पाता है। और ये अंधे गधों की फौज ने अब तक आपके दिमाग पर अटैक कर दिया होगा, भाई महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी तो बढ़ी होगी। तो आप सोचते हो कि हाँ कमाई बढ़ी होगी, किसी की तो बढ़ी ही होगी, पर क्या आपकी बढ़ी? नौकरी वाला सोच रहा है कि शायद बिजनेस अच्छा हो गया है, बिजनेस वाला सोच रहा है कि चलो जीएसटी ने हमें तो बर्बाद कर दिया, शायद मजदूरों को रोजगारी मिल गया होगा। पर नोएडा के लेबर चौक पर एक बार चले जाना सुबह को, तुम खुद मुंह बनाकर आओगे कि क्यों इन मजदूरों ने इतना जाम लगा रखा है। जाम लगाने का शौक नहीं है, नौकरी नहीं है। नहीं भाई, हम तो हिंदू हैं, हम तो मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी ने हम हिंदुओं को बचा रखा है। बचा रखा है हम हिंदुओं के लिए? मोदी जी ने क्या ऐसा कर दिया? क्या मोदी जी ने हर पेट्रोल पंप पर दो मशीन लगवा दी है जिसमें एक हिंदुओं के लिए और एक मुसलमान के लिए, जिसपे हिंदुओं के लिए 50 रुपए का पेट्रोल मिलेगा? या मोदी जी ने सभी दुकानदारों को आदेश दे दिया है कि हिंदुओं को राशन 5,000 रुपए में मिलेगा और मुसलमानों को राशन 10,000 रुपए में मिलेगा? धर्म के नाम पर सभी को, खासकर यूपी वालों को, पिछले 10 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है और हम बनते जा रहे हैं। पर अब टाइम आ गया है दिमाग खोलने का। तो वोट तो जरूर देना, मगर थोड़ा सोच कर देना कि तुम फिर से अगले 5 साल के लिए उस धर्म के दलदल में डूबना चाहते हो या प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, एजुकेशन, नौकरी, इनकी बात करना चाहते हो। कहते हैं कि हिंदुओं से नफरत करो ये कुरान नहीं कहता, हिंदुओं से नफरत करो ये कुरान नहीं कहता, भारत में मस्जिदें तोड़ी जाए ये श्री राम नहीं कहता, रोटी की कोई धर्म नहीं होती, पानी की कोई जात नहीं होती, रोटी की कोई धर्म नहीं होती और पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है, किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है, लेकिन धर्म का चश्मा उतार कर देखो साहब, नेताओं के वजह से हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। कल कोई और सरकार आती है, या फिर अगर ऐसा कल कोई होता है कि आपको बोला जाता है कि भाई ध्रुव राठी आप इतने वीडियो बनाते हो, चलिए ठीक है आप ही बता दो कि संविधान के साथ ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये डिक्टेटरशिप। ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप है, जो भी नई सरकार आएगी हमें, हमारा काम तब से शुरू होगा, आपका और मेरा, हमें उन पर प्रेशर बनाना होगा कि एग्जैक्टली क्या क्या कानून पास किए जाएं जिससे कि इंस्टीट्यूशंस का इंडिपेंडेंस वापस आ सके और आज के बाद देश कभी भी इस हालत में वापस ना गिर सके। कैसे इलेक्शन कमीशन को फ्री करना है, कैसे सीबीआई को आज़ादी देनी है, कैसे ईडी को आज़ाद करना है सरकार के हाथों से, ये सारे कानून बिल पास करने के लिए हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा जो भी नई सरकार बनेगी उस पर। নিশ্চয় আপোনালোকে এই ভিডিওৰ ক্লিপকেইটা চালে আৰু সকলোৱে সকলোৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিছে আৰু মোৰ চেনেলত মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰসকলক, ইউটিউব চেনেলৰ ফেমিলি মেম্বাৰসকলক মোৰো মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ যে যিখন চৰকাৰক জয় কৰালে দেশখন উন্নতি হয়, দেশখনৰ হিন্দু মুছলমান একত্ৰিত হৈ থাকিব পাৰে, মিলা প্ৰীতিৰ সৈতে থাকিব পাৰে, দেশখনৰ যাতে উন্নতি হয় তেনেকুৱা এখন চৰকাৰক আমি নির্বাচন করাটো অর্থাৎ জয় করাটো উচিত, যাতে দেশখনের সুবিধা হয়, দেশখনের উজ্জ্বল হয়ে পড়ে আর দেশখনের নাগরিক সকলে, আপনি মাই সকলে, হিন্দু মুসলমান সকলে যাতে কম খরচত চলিব পারো, তেনেকুৱা সরকার এখনক আপনি মই ভোট দিম আর সেই ভোটের বিনিময়ত তেওঁলোকে জয় হ'ব। আৰু আমি সকলোৱে যাতে ভোট দিয়াৰ আগত এবাৰ নিশ্চয় ভাবোঁ যে যিখন চৰকাৰক ভোট দিব সেইখন চৰকাৰে দেশখনৰ কিমান উন্নতি কৰিছে, দেশখনৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি, দেশখনৰ মানুহৰ, হিন্দু মুছলমানৰ অসুবিধা হৈছে নেকি,
सरकारक जो मैं जय कर विचार यह सरकार हिंदू मुसलमान मजद कि कम कर तथ्य सम्मुख राखी एकदम शांत मनोज सहकारे आम भाम भार पद सकते निजर निजर भोट दी इनशाल्लाह और कने जाते ভোট নিদিয়াকৈ নাথাকে সকলো যাতে ভোট দিয়ে যিসকলৰ ভোট উঠিছে সকলো যাতে ভোট দিয়ে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ কিন্তু ভোট দিয়াৰ আগত আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চিন্তি চাব যাতে দেশখন বিপদত নপৰে দেশখনৰ নাগৰিকসকলে যাতে বিপদত নপৰে হিন্দু মুছলমানসকলে যাতে বিপদত চলিব লগা নহয় তেনেকুৱা এখন চৰকাৰক আমি জয় কৰিব লাগে আৰু সকলো যাতে ভোট দিয়ে কোনো যাতে ভোট নিদিয়াকৈ নাথাকে এইটো মোৰ ফালৰ পৰা গুজাৰিছ কৰিছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ সকলোৱে যাতে নিজৰ নিজৰ ভোটটো দি গুচি আহে।